यस सर। डिवीजन क्या होता है? जब डिवीजन में होता है किसी होल के इक्वल पार्ट करना अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और डिमांड, यानी जितना डिमांड किया गया हो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्ट करना ही डिवीजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू गिवन है आपको, लेट्स से 20, अब इसको कह रहे हैं आपसे जनरली कोई बोल दिया डिवाइड इट इंटू 5 इक्वल पार्ट, यानी इस 20 को जो वैल्यू गिवन है यानी 20 बिस्किट्स हैं आपके या 20 कोई भी कुछ भी है टॉफीज हैं आपके पास, यू हैव 20 टॉफीज, अब आपसे जनरली बोल दिया गया कि डिवाइड द 20 टॉफीज और डिस्ट्रीब्यूट दिस 20 टॉफीज दिस सॉरी इन अमंग 5 चिल्ड्रन, मीन्स आपको क्या करना है 5 बच्चों में इनको बांट देना है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, इसकी 5 इक्वल पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे जनरली 5 इक्वल पार्ट करेंगे, तो पार्ट वन पार्ट होता है सॉरी इक्वल पार्ट करना ही तो डिवीजन कहलाता है। ये डिवीजन क्या कहलाता है, जो इसकी इक्वल पार्टीशन कहलाएगा वही इसका डिवीजन होगा। अब इसको 20 को आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी जो जिस पार्ट जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवीजर यानी भाजक, सॉरी नंबर ऑफ पार्ट जिसे करने वो उसका डिवीजर होता है। क्या होता है डिवीजर, डिवीजर। और जिस वैल्यू में डिवाइड करना जिस वैल्यू को होल वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड करने वाली वैल्यू सॉरी जिस जो होल वैल्यू गिवन होती है यानी जिसको हमें डिवाइड करना है उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और डिवाइडेंड भी बोलते हैं कुछ लोग, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। अब बात आती है सर डिविडेंड, ओके डिविडेंड। अब बात आती है जो इक्वल पार्ट्स आते हैं, मतलब नंबर हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बट नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटी यानी जो भी वैल्यू गिवन है उसकी जो भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे जो आती है उसे क्वेशेंट बोलते हैं, ओके एग्जैक्ट टर्म को। यहाँ से हम कितने टाइम जा सकते हैं, यस सर 5 का टेबल 5 को 20 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 4 के पार्ट में डिवाइड होगा 5 4 20, ओके यहाँ से 4 टाइम्स जाएंगे तो 5 4 20 और यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 - 0 = 0 2 - 2 = 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये क्या होता है, ये वैल्यू होती है रिमाइंडर, क्या होती है रिमाइंडर। रिमाइंडर ओके यस यस सर। द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे जो वैल्यू आती है क्या बोलते हैं बेटा, तो यहाँ की वैल्यू होती है क्वेश्चन बोला जाता है, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ओके आपने जाना डिवीजन मीन्स होता है नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट यानी किसी टर्म्स की किसी वैल्यू की अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन नंबर ऑफ पार्ट करना ही डिवीजन होता है, किसी वैल्यू को पार्ट देना, किसी वैल्यू को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में पार्ट देना वो होता है डिवीजन, ठीक है बांटना। डिवीजन मीन्स होता है बांटना, अब कितने पार्ट में डिवाइड करना वो कंडीशंस बोलेंगे, वो क्वेश्चंस की डिमांड जो होगी इसके अकॉर्डिंग हम उतने पार्ट करेंगे। जैसे यहाँ कह रहे थे यू हैव टू डिवाइड और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 20 टॉफीज अमंग 5 चिल्ड्रन, अमंग 5 चिल्ड्रन, नहीं 5 बच्चों में इनको बांटना था। इन 5 बच्चों में बांटने के लिए क्या करते हैं, इस 20 टॉफीज को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उन 5 में। तो डिवाइड करने पर हम देखते हैं ईच वन विल गेट 4 टॉफी, इट मीन ईच वन विल गेट 4 टॉफी, ईच वन विल गेट 4 टॉफी, प्रत्येक को कितनी टॉफीज मिलेंगे, 4 टॉफी। तो ये जो 4 टॉफीज मिले एक एक को जितना गेन किया जितना मिला एक एक को वो इसकी क्वेश्चन वैल्यू होती है, और जिस
जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है अमंग फाइव चिल्ड्रन, यानी फाइव चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया, ये आपका डिविजन हो गया। और जिसमें डिवाइड किया गया जिस वैल्यू को, वो डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड, डिविजर, क्वेशेंट, डिविडेंड। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। मेरी नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है सर? आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। नो सर, नो सर, सर एकदम साफ स्क्रीन आ रही है। नो सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन एकदम क्लियर आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जिन लोगों की स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है यानी क्लियर नहीं हो पा रही है, उनके यहाँ की नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसा होता तो सारे लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं देती। ओके, बट कुछ लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब आप लोगों के यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं थोड़ा सा। आपने ये जाना है ऐसे सीमेज, अगर आपको डिविजन सेंटेंस गिवन हो तो उनको सॉल्व कर सकते हो। बात आती है कभी कभी ऐसे डिविजन सेंटेंस गिवन होते हैं 27 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हो अगर 27 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा वैल्यू बेटा? 3। क्या आंसर क्या गिवन करोगे आप लोग? 3। ओके, अब इसमें बात आती है, अगर नेमिंग करना होता, प्लीज लिसन टू मी, अगर आपको नेमिंग करना होता यानी इसको आइडेंटिफाई करना होता व्हिच इज डिविडेंड, व्हिच इज डिविजर एंड व्हिच इज क्वेशेंट, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिविजन सेंटेंस तो गिवन है, यू हैव टू डिवाइड 27 बाय 9, यानी जिस डिजिट से या जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिविजर, 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 डिविजर। और जिस वैल्यू में डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? या डिविडेंड बोल सकते हैं आप लोग, लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. जो होल वैल्यू आपने गेन किया है यानी इक्वल आफ्टर डिवाइडिंग, तो आपने यहाँ पे क्वोटेंट क्वोटेंट। अब बात आती है, देखो राइट जंप स्टार्ट, लुक एट पेज नंबर 77, everyone please, from your book. Yes. यहाँ पे जंप स्टार्ट करना बेटा, देखिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? जो ट्रू स्टेटमेंट होंगे उनके लिए ट्रू राइट करना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनके लिए फॉल्स राइट करेंगे, और उन फॉल्स स्टेटमेंट को क्या करना है आपको? करेक्ट भी करना है। ओके, यू हैव टू करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑल्सो, यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन होगा उस स्टेटमेंट को करेक्ट भी आप ही करेंगे अगर फॉल्स है तो।
समझ रहे ना मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर। नाउ पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे क्या गिवन बेटा, n 37 डिवाइड बाय 5 द डिविडेंड डिविडेंड इज 37 एंड द डिविजर इज 5 एंड द डिविजर इज 5. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? फॉल्स. ये आपको चेक करना है इन 37 डिवाइड बाई 5 द डिविडेंड इज 37 एंड द डिविजर इज 5. Is it correct or false? बेटा ये क्या करेक्ट है या फॉल्स है आप बताइए. False. करेक्ट है. क्यों फॉल्स हो रहा है ये आप लोगों को, क्यों फॉल्स लग रहा है जी? डिविडेंड नहीं है, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसी को तो डिविडेंड बोलते हैं. 37 डिविडेंड एंड 5 इज डिविजर. करेक्ट तो है ये आपका स्टेटमेंट, क्यों आपको फॉल्स लग रहा है? यहाँ पे ये थर्ड जिस वैल्यू में हम डिवाइड करते हैं उसी को तो डिविडेंड बोला जाता है. यहाँ पे 5 जो आपका वैल्यू गिवन है ये डिविजन हो जाएगा और 37 जो है आपका डिविडेंड. और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दिस इज ट्रू. ओके, यानी जो स्टेटमेंट है वही दिया गया है, द डिविडेंड इज 37 एंड द डिविजन इज 5. इट मीन This statement is true. Okay. यहाँ पे क्या राइट करेंगे? पॉइंट नंबर बी देख लीजिए क्या करना है इसमें. वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ अ डिविजन स्टेटमेंट बाय यूजिंग द रूल डिविडेंड इज इक्वल टू. एक्चुअली आपको तो बताया नहीं, एक फॉर्मूला होता है, अगर एक रिलेशन होता है डिविडेंड रिलेशन जो होता है क्या होता है बता दूं. डिविडेंड इक्वल टू जो होता है बेटा डिवाइडेंड बोल सकते हैं इसको. डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड को तो क्या होता है रिमाइंडर. इस स्पेलिंग में राउंड कर दिया हूं, यहाँ पे ए आई होता है रिमाइंडर. डिविडेंड इसको तो क्या होता है बेटा, डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो किसी भी एक डिविजन सेंटेंस से आप वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, डिविजन डिविडेंड इसको तो क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. अगर आप इसको करना चाहते हैं तो देखो हम वेरीफाई भी कर दे रहे हैं. यहाँ पे आप लेफ्ट से यू हैव टू डिवाइड 7/3. क्या करना है, 7 को 3 से डिवाइड करना है. अब देखते कैसे डिवाइड करेंगे इसको. अगर डिवाइड करना है तो डिविजर यहाँ पर आपका 3 है और डिवाइडेंड है आपका 7 है. ठीक है, समझ आ रहा है ना? Yes, करना क्या करना क्या आपको डिवाइड करना है. हम जानते हैं डिवाइड करने के लिए हम इस जो डिविजर है उसको इतने मैक्सिमम टाइम्स का टेबल रीड करना है कि इस डिविडेंड से मोर ना होने पाए. यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हम
कितने टाइम जा सकते हैं, स्पीकर टेबल कितने टाइम वेट कर सकते हैं कि सेवन से मोर ना हो? टू जा सिक्स. अब यहाँ से हम माइनस करते हैं, ये आपका रूल होता है टू डिवाइड एनी वन. सेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यहाँ वन. ये जो रिमाइंडर होता है यहाँ इसी को रिमाइंडर बोलते हैं. और ये होता है क्वेश्चन, और ये होता है आपका डिविडेंड और डिवाइडेंड बोल सकते हैं इसको, और ये आपका डिविजर. ओके, अब इसको वेरीफाई करना है. तो कोई कहता है वेरीफाई इज इट करेक्ट और रॉन्ग, हमने जो डिविजन सॉल्व किया है क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए इस रिलेटिव वैल्यूज का यूज करेंगे. डिविडेंड डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, यहाँ से हम जानते हैं डिविजर की वैल्यू क्या गिवन है बेटा. डिविजर मीन जिससे डिवाइड कर रहे हो. तो क्या है यहाँ पे, क्या एवरी वन व्हिच इज डिविजर हियर, व्हिच वैल्यू इज डिविजर हियर? थ्री. मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मीन्स कितना है यहाँ पे, यहाँ पे आपने देखा डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन वैल्यू क्या आई है? टू. टू टू यहाँ पे राइट करेंगे. टू प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स कितना होता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है आपका, आपने डिवाइड करने पे देखा रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे? जम सेवन रिमाइंडर वन आता है. अब देखो आप देख रहे हो थ्री टू जस्ट सिक्स, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स यहाँ पे आएगा प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा सेवन, व्हिच इज इक्वल टू डिविडेंड या डिवाइडेंड. यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइडेंड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया सेवन, है ना? यस सर. इट मींस वो करेक्ट है, जो हमारा सॉल्यूशन है हमने जो सॉल्व किया है वो हमने करेक्टली सॉल्व किया. ओके यस सर. तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था बी नंबर, वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ डिविजन स्टेटमेंट बाय यूजिंग द रूल डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये जो दिया गया है ट्रू है ना? ट्रू. यहाँ पे कैरेक्टर ट्रू ही होगा. ओके, तो ये भी सेकंड वन टू आउटकम हमने वेरीफाई भी कर लिया. हाँ ट्रू ही है. Now problem number second means question number second. Solve the following division problem to calculate the quotient and remainder. Also verify the result. देखिए इसमें भी सेम एज बेटा सॉल्व करना है, बट इसमें सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है फ्रॉम दिस रिलेशन. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी रिलेशन का यूज करके हम वेरीफाई भी कर लेंगे. चलिए ठीक है, हम करके बता रहे हैं कैसे किया जाए. And question number second, solve the following division problem to calculate the quotient and remainder, also verify the result. First one is given here, A, 72 divided by 9. Okay, आपको क्या करना है, ये जो division sentence given है आपका यहाँ पे 72 divided by 9. ठीक है,
इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके डिविजन की वैल्यू क्या है बेटा, 25 डिविजन ही है, कुछ वैल्यू डिविजन ही है इसका मतलब हमें क्या करना है, 72 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 9 का टेबल रीड करना होगा, कितने टाइम मैक्सिमम टाइम लीड करेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो बेटा क्या होगा, जीरो। रिमाइंडर की वैल्यू जो आएगी आई वो क्या आई, जीरो। क्वेश्चन वो कितने है, 8। डिविडेंड आपको क्लियर ही है, डिविडेंड ये है 72, या डिवाइडेंड बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 72, ओके। और डिविजन आपका गिवन है यहाँ पे 9। वेरिफिकेशन हम जानते हैं क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू यहाँ पे हम कर दे रहे हैं वेरिफिकेशन, यहाँ डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, ये लर्न कर लीजिए आप लोग, ओके। डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस रिलेशन का यूज करेंगे। टू वेरीफाई द फॉलोइंग डिविजन प्रॉब्लम, ओके। अब यहाँ पे हमें डिविडेंड की वैल्यू पुट नहीं करना, डिविडेंड हम देखते हैं क्या डिविडेंड के इक्वल आ जाता है कि नहीं। अभी क्या करना आपको, आपको ओनली डिविजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे वो यस सर वैल्यू रिप्रेजेंट डिविजर, यानी यहाँ डिविजर की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे इस डिविजन सेंटेंस में डिविजर की वैल्यू क्या है आपको दिख रहा है ना, 9 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन, 9 की वैल्यू क्या बेटा, 72 क्वेश्चन सर 8 क्वेश्चन की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 8 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर जीरो। ओके सॉल्व नेक्स्ट वन, 9 × 8 मींस 9 × 8 जा 9 × 8 इक्वल टू व्हाट, 72 एग्जैक्ट मीनिंग जो आएगी वो सर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 72 व्हिच इज इक्वल टू 72 और डिवाइडेड जो किसके इक्वल है, डिवाइडेंड के इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे डिवाइडेंड की वैल्यू के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, हैंस वेरीफाइड, इट मींस हमने जो वेरीफाई करना है वो कर लिया, सेम है। हैंस वेरीफाइड, इस तरह से आपको वेरीफाई करने रहेंगे, ओके। ये बताइए सारे लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
रा रा अभिनय पांडे आपको सुन में आया? जी सर। अभिनय पांडे? यस सर। कर इसका सेकंड क्वेश्चन अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो सेम एज कर सकते हैं? यस सर। यस सर कहने से काम नहीं चलेगा बेटा, अगर पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। कर लेंगे। करो। यस सर। अतुल आप कर सकते हो? राज, राजपाल? यस सर। मुस्कान क्या कर रही हो? सिमरन बेटा आप समझ में आ रहा है? कर लेंगे। गुड बेटा। अंकित, संजना, बेटा संजना आप कर सकते हो? यस सर। ओके। बरखा आपसे हो जाएगा बेटा? चले ठीक है। शिवांगी, अनुष्का, आस्था ये सब कर सकते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। ओके बेटा चले ठीक है। शिवान्या आपको कुछ पूछना है क्या? शिवान्या कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके सॉल्व करेंगे। सेम है सॉल्व करना, आपको डिवाइड करना रहेगा। ये तो ये टाइमों को डिवाइड करना तो आता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन हम वेरीफाई कर दे रहे हैं और करके दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी ऑफ सेकेंड। ओके पॉइंट नंबर डी ऑफ सेकेंड। यहाँ पे जो डी नंबर पॉइंट की बने बेटा 679 जो डिविजन सेंटेंस आपका गिवन है 679 डिवाइड बाई 12। आपको क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड द 3-डिजिट नंबर बाय 2-डिजिट नंबर, यानी 3-डिजिट नंबर को 2-डिजिट नंबर से डिवाइड करना। ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, जनरल भी है जैसा आप करते हैं वैसे ही करेंगे ना। 12 से डिवाइड कर दीजिएंगे। यू हैव टू डिवाइड 679 बाय 12। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ से 12 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी बेटा देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो डिविजर है वो 2-डिजिट का है। डिविजर आपका कितने डिजिट का है? 2-डिजिट का। इट मींस यू हैव टू टेक हियर इन डिविडेंड मिनिमम 2-डिजिट। कम से कम कितने डिजिट लेने होंगे हमें यहाँ पे? 2-डिजिट। टेक 2-डिजिट। इस 2-डिजिट को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। 67 व्हिच इज इक्वल टू 67। फर्स्ट 2-डिजिट की वैल्यू क्या है बेटा? 67। इट मीन्स we have to read the table of 12 number of times to reach 67, yani 67 tak jane ke liye hame kitne table 12 ka table kitne times se read karein ki 67 ke test mein ho? Sir 12 5 60 yahan se baat aa rahi hai। म्यूट कीजिए अपने आपको। यहाँ से बेटा 12 5 60 बिकॉज हम 6 टाइम जाते हैं ठीक है, तो वैल्यू मोड हो जाएगी। बिकॉज वी नो दैट 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 72, यानी 12 का टेबल अगर 6 टाइम रीड करेंगे तो 72 हो जाएगा, जो कि 67 से ज्यादा हो जाएगा है ना। इस कारण हमें क्या yes, यहाँ 5। यस बेटा यहाँ हम ओनली 5 टाइम जाएंगे।
फॉरवर्ड दे होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो रिमेंस डिजिट होता है वहां से सिंगल डिजिट कॉमन करते हैं। सिंगल डिजिट मीन यहाँ से 9 ही रिमेंस हुआ है, तो 9 को यहाँ पे कॉमन कर देंगे साइड ऑफ 7, साइड 7 के साइड में कॉमन करके राइट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉमन नहीं सॉरी कॉपी करते हैं, मैं कॉमन बोल रहा हूँ ना, कॉपी कर लेते हैं। ओके रिमेंस आपको क्या करना है 9 को ऐसे कॉपी कर लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू फॉर्म हुई है वो क्या हुई है 79, क्या वैल्यू फॉर्म हुई है 79। अब 12 का टेबल रीड करना है 79 से ज्यादा ना होने पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे 12 का टेबल रीड करते हैं कि इससे मोर ना होने पाए, इसके टच में रहे। तो 12 × 12 = 24, 3 × 36, 4 × 48, 5 × 60, 6 × 72 और 7 × 84, यानी जब 6 टाइम जाते हैं तो 72 आ जाएगा, 7 टाइम जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 टाइम ही जाएंगे। और यहाँ पे आएगा 12 × 6 = 72, माइनस करेंगे तो यहाँ 9 − 2 = 7 और 7 − 7 = 0, यानी 0 7 = 7, रिमाइंडर क्या आएगा 7। अब यहाँ पे आप साइड में चाहे तो सारी वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहाँ पे डिविजर क्या है, डिविजर की बात करते हो तो 12 है, डिविजर कितना है जी 12। डिवाइडेंड की वैल्यू क्या बेटा, डिवाइडेंड डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या है यहाँ पे बोलिए आप लोग, सबको नहीं पसंद में आ रहा क्या, डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं 679, क्या होगा 679। बात आती है नेक्स्ट की बात आती है, मीन्स आती है बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन कितना है 56 ईयर एंड रिमाइंडर जो आया आपका क्या है 7। ओके अब वेरीफाई करते हैं इसको, वेरिफिकेशन सेम ऐज करना होगा जैसे हमने पहले किया था, यहाँ भी वही करेंगे वेरिफिकेशन, राइट क्या करेंगे वेरिफिकेशन, क्या हमने जो किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चीज को देखने के लिए हम वेरीफाई कर लेते हैं इस रूल से। हमें डिविजर की वैल्यू पुट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिविजर, से थोड़ा तेज से बोल के, सारे लोग बोलते नहीं है केवल एक दो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे डिविजर की वैल्यू क्या है 12% की वैल्यू क्या है बेटा, अब क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 56 बाई 12 और 12 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ देखो कैसे करेंगे, 56 मल्टीप्लाइड बाई 12 आपको 12 का टेबल तो लर्न है ना, इसी को गार्डिंग कर लेंगे, 12 सीधा सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, सारे लोगों को आगे करना है
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बताइए पॉइंट सारे लोग क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। आपको देखो करना क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन किया कैसे गया, जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन का वो क्या था, रिवीजन प्रॉब्लम जो गिवन था 679 डिवाइड बाय 12, ये आपको डिवीजन स्टेटमेंट था। ठीक है, जो स्टेटमेंट था वो 679 डिवाइड बाय 12। अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे जो 12 है वो क्या होगा, डिविजर होगा। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविजर। और जिस वैल्यू में डिवाइड किया गया है वो आपका डिवाइडेंड, यानी यहाँ पे डिवाइडेंड की वैल्यू 679 हो गया और डिविजर क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग यानी हम डिवाइड करने पे क्या पाते हैं, हम देखते हैं 56% आता है और रिमाइंडर कितना आता है, 7 डिवाइड करने पर, है ना। ठीक है, वेरिफिकेशन किया तो वेरिफिकेशन रूल होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिविजर आपकी वैल्यू कितनी गिवन है, 12, और कोसेंट हमने फाइंड किया है वो कितना आया है, 56, और रिमाइंडर आपने देखा यहाँ पे 7। अब 12 और 56 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 672 प्रोडक्ट वैल्यू आती है, ये हमने साइड में करके दिखाया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 7 इसमें और ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू फॉर्म हो जाती है 679, दैट इज इक्वल टू डिवाइडेंड। हम देख रहे थे डिवाइडेंड इक्वल है, यही वेरीफाई करना था।